हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूबीएल स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक के मंथली चार्ट पर डिस्कस करेंगे। मंथली चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक चल रहा है, अब ट्रेंड में है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। आप खुद से देख पाएंगे कि यहां से सीधे ऊपर जा रहा है, लेकिन एक स्पीड नहीं है, स्लो चल रहा है। लेकिन यहां से हमें सिग्नल पॉजिटिव मिल जाता है, हालांकि सिग्नल पॉजिटिव मिल जाता है। उसके बाद वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक ने वीकली चार्ट पर 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक का सपोर्ट है, सपोर्ट 1461 रुपए के आसपास है, या कहें 1482 रुपए, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फेस किया है 1688 पर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो डेली चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। डेली चार्ट फ्रेम पर बिल्कुल स्टॉक की स्थिति खराब है, तो यहाँ से अवॉइड करने की सलाह बनती है। आपको अवॉइड करना है जब तक के स्टॉक थोड़ा सा कवर करके 1582 के ऊपर ना निकल जाए। 1582 के ऊपर निकलेगा तो आप 1688 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और यदि स्टॉक 1486 के सपोर्ट को टच करके यहाँ पे टच करके ऊपर जाता है, तो आपके लिए वेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है खरीदारी की, ठीक है। तो सोच समझ कर एंट्री लें, अभी जल्दीबाजी ना करें। बाकी अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर ही स्टॉक में एंट्री लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।